जय हिंद दोस्तों, इनएविटेबल ज्ञान में आपका स्वागत। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। 21 जून 2023 को राज्य के आईटीआई एटा में प्लेसमेंट डे का आयोजन किया जा रहा है। तो जिन बच्चों की आयु 18 से 26 वर्ष के बीच है, वो 21 जून को प्रातः 10:30 बजे राज्य के आईटीआई एटा में पहुंचकर इस प्लेसमेंट डे का या फिर रोजगार दिवस का फायदा उठा सकते हैं। आइए मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दे देता हूँ। जो ट्रेड्स यानी कि जिन ट्रेड्स के बच्चे इस रोजगार दिवस में एलिजिबल हैं, वो है फिटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन पीडी, आरएसी, मोटर मैकेनिक व्हीकल, वायरमैन, वेल्डर, पेंटर जनरल और मैकेनिक एग्रीकल्चर मशीनरी। जो डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर आने हैं वो हैं मूल शैक्षिक प्रमाण पत्र आपके, उसके बाद आधार कार्ड, रेज्यूम जिसको हम सीवी कहते हैं, पासबुक, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और इन सभी की एक जेरोक्स कॉपी। तो इस प्लेसमेंट डे में जो कंपनी आ रही है वो है भारत सीट्स लिमिटेड, जिसका ऑफिस गुरुग्राम में है, कपारो मोटर्स ग्रेटर नोएडा में, और टाटा मोटर्स जिसका ऑफिस पंतनगर उत्तराखंड में है। तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी मैं अभी आपको देता हूँ। तो बच्चों, पहली कंपनी जो आपके पास आ रही है वो है भारत सीट्स लिमिटेड। भारत सीट्स लिमिटेड है एक ज्वाइंट वेंचर है मारुति का, सुजुकी का और रोहित रेलान एंड एसोसिएट्स का। अगर हम इसके प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये डील करता है बेसिकली सीट्स में, सीट्स जो कि फोर व्हीलर की या फिर टू व्हीलर की या रेलवेज की जो सीट्स वगैरह बनती हैं उसके में ये मैन्युफैक्चरिंग का काम है इसका। एनवीएच प्रोडक्ट की बात करें तो ये एनवीएच प्रोडक्ट होते हैं। एनवीएच मेनली नॉइस वाइब्रेशन हार्शनेस इसको बोला जाता है, यानी कि एक तरीके से जो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो है वो बेसिकली रबर के बनाए जाते हैं, तो इसमें ये मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है। बॉडी सीलिंग पार्ट्स बनाने में इसका काम है और मेटल रेंज यानी कि जो टू व्हीलर के फ्रेम्स वगैरह हैं उसको बनाने का काम इसका होता है। स्पेसिफिकली जो इसका काम है वो है मारुति के लिए सीट्स वगैरह का प्रोडक्शन करना। तो अब हम बात करते हैं दूसरी कंपनी की। दूसरी कंपनी है हमारे पास जो आ रही है वो है कपारो की, ठीक है। कपारो मारुति लिमिटेड जो कंपनी आ रही है, इट्स ऑल्सो अ ज्वाइंट वेंचर। यहां पर भी ये 75:25 का ज्वाइंट वेंचर है। कपारो इंडिया लिमिटेड यूके का जो कंपनी है उसका ज्वाइंट वेंचर है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के साथ। इसका जो मेनली जो स्ट्रेंथ है या फिर जो जिसमें ये डील करती है वो बेसिकली शीट मेटल कंपोनेंट्स हैं और वेल्डमेंट्स हैं, और इसका भी जो डिजाइन तैयार किया जाता है बेसिकली जो डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग होते हैं वो बेसिकली मारुति के लिए ही डिजाइन किया जाता है। अगर हम इस कंपनी की बात करें तो इसके डिटेल में अगर मैं बताऊं तो सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, डिजाइन यूनिट है, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का भी यहाँ पर काम है, ठीक है। स्टील और नीश इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। कपारो इंडिया लिमिटेड क्योंकि यूके बेस्ड फर्म है तो इसके जो ऑपरेशंस यूनिट हैं वो नॉर्थ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, मिडिल ईस्ट और इंडिया में ये ऑपरेट करते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी बेटा आ रही है वो है टाटा मोटर्स लिमिटेड रुद्रपुर पंतनगर। टाटा मोटर्स प्लांट जो पंतनगर में है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इंडिया में, और जो आपका जो टाटा एस मिनी ट्रक जो मैन्युफैक्चर होता है वो यहीं से मैन्युफैक्चर होता है। इसके अलावा जो पैसेंजर कार्स हैं, लाइट कॉमर्शियल व्हीकल्स, बसेस, ट्रक्स और डिफेंस व्हीकल्स हैं जो टाटा के, वो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग या उन पर उनका जो प्रोडक्शन है वो यहीं इसी यूनिट में किया जाता है। तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग यहाँ पर कल प्लेसमेंट मतलब 21 तारीख को प्लेसमेंट डे में आकर इन तीनों कंपनीज में आकर प्लेसमेंट डे में अपना अप्लाई करिए यहाँ पर और इस रोजगार दिवस का फायदा उठाइए। और बच्चों, अगर इसके अलावा भी अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है किसी चीज में या फिर किसी भी कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप सीधे राजकीय आईटीआई एटा में प्लेसमेंट सेल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।